देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, आपने तो जहां भर में सवेरा कर दिया। मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया आपने। आका करीम रहमतुल आलमीन खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मुकद्दस मुबारक महीने का आगाज़ हो चुका है। वतन अजीज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आशिकान रसूल इंतहाई अकीदत के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। इस्लामी साल के तीसरे माह रबी अव्वल की 12 तारीख को पूरी दुनिया में आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न इंतहाई अकीदत एहतराम और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। फलक पर माह मुबारक रबी अव्वल का चांद नमूदार होते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों को जैसे नई जिंदगी मिल जाती है और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मौजूद आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमेशा की तरह मुल्क भर में मसाजिद, घरों, गली मोहल्लों और इमारतों को रिवायती अंदाज में रोशन किया जा रहा है और बुलंद मुकामात पर सब झंडियों को आवेजा किया जा रहा है। इसके अलावा पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट समेत सरकारी और नीम सरकारी छोटी बड़ी इमारतों और मार्केटों को भरकी कमकमों और झंडियों से सजाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौके पर पाक अवाम का जोश खरोश दीदनी होता है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के मौके पर शहर कराची समेत दुनिया भर में जश्न के छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि मुख्तलिफ तकारीब और सीरत कॉन्फ्रेंस में सीरत तैयबा पर रोशनी डाली जाएगी। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के मौके पर अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जश्न की महाफिल और जुलूसों के तहफ्फुज़ के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाक रेंजर्स और पुलिस के हजारों अफसरान जवान जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे, जबकि रेंजर्स और पुलिस की मदद के लिए पाक फौज के दस्ते भी मौजूद होंगे। एक जानिब जश्न विलादत बासआदत के मुबारक महीने में शहर शहर, गली गली, कूचे कूचे को बरकी कमकमों से रोशन किया जा रहा है। घरों और गलियों मोहल्लों को झंडियों और चमचमाते सितारों से सजाया जा रहा है। हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक बढ़ चढ़ कर जश्न की तैयारियों में मसरूफ है। दूसरी जानिब रोशनियों के शहर कराची में अंधेरा छाया हुआ है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं, गटरों के ढक्कन खुले पड़े हैं। सबसे ज्यादा खराब सूरत हाल कराची के जिले कोरंगी में देखने में आ रही है, जहां DMC एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ख्वाब गफलत में मदहोश हैं। जिले कोरंगी के इंतजामिया को आम दिनों की तरह मोहसिन इंसानियत रहमतुल आलमीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों की गुजरगाहों, मिलाद के मुकामात और मुसलमानों की सबसे बड़ी खुशी के मौके पर आवाम की बुनियादी सहूलियात का जरा भी कोई ख्याल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को फौरी तौर पर जिला कोरंगी की मरकजी इलाकों जिना स्क्वायर, उर्दू नगर, मॉडल कॉलोनी और काला बोर्ड से सऊदाबाद चौरंगी तक का दौरा करना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची अज खुद आवाम की मुश्किलात और बिलखसूस माह मुबारक रबीउल अव्वल के मौके पर इन इलाकों की बदहाली देखें और जिम्मेदारान से जवाब तलब करें कि जिले कोरंगी में जिंदा इंसान रहते हैं या मुजस्मे। खसूसी रिपोर्ट यावर शाह, देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। देखो पाकिस्तान नेटवर्क।